कुलगाम में जो कल से एनकाउंटर चल रहा है, सीधा एनकाउंटर साइट से मेरे साथ हामिद ज्वाइन किए हुए हैं, आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, फिलहाल हामिद से जानेंगे, 3 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर है। हामिद बताइएगा, बताया जा रहा है कि 5 के मौजूदगी वहां पर थी, जिसमें से 3 जो है मारे गए हैं और 2 अभी भी ट्रैप्ड हैं। तो क्या नाम सामने आए हैं, पता चल पाया है कौन है ये 3 मिलिटेंट्स, कहां से ताल्लुक रखते हैं, क्या मुकामी हैं ये, और क्या कुछ जानकारी इस हवाले से सामने आई? सोर्स से यही पता चला है कि ये मुकामी मिलिटेंट्स है, मगर अभी तक पूरी तरह से इसकी तस्दीक नहीं हुई है, पुलिस ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। अभी जो भी होगा काबिल वक्त होगा, इनकाउंटर खत्म होने के बाद ही ये पूरी तरह से पता चल जाएगा ये लोकल है या फॉरनर है। अभी पूरी तरह से ये सामने नहीं आया, मगर सोर्सेज से जो पता चला है कि ये लोकल मिलिटेंट्स में बताया जा रहा है, 5 के अंदर छुपे होने की इत्तला थी हमें। तो अभी तक 3 को जो आईजीपी के मुताबिक जो ट्विटर में आया है उनके मुताबिक 3 को तीन तीन की मौत हो चुकी है, अभी 2 बाकी है। अभी देखने वाली बात यह हो कि दूसरे दिन में ये इनकाउंटर तब्दील हो गया, रात भर घमासान गोलियों का तबादला हो रहा था और सुबह की सूरज की किरणें पड़ते ही कुछ फायर उसके बाद भी हुए, मगर अभी तक लगभग 7:30 के बाद अभी तक कोई भी फायर दोनों तरफ से नहीं हुआ है, कोई भी गोली की आवाज सुनने में नहीं आई है। जी इस वक्त आप स्पॉट पर ही मौजूद हैं इलाके, क्योंकि ये गांव है बताया जा रहा है, रिहायशी इलाका है, बहुत सारे घर भी हैं वहां पे और अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं क्योंकि गोलियों का तबादला थम चुका है पर ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। हाँ, ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, अभी भी इनकाउंटर साइट्स को गोल नहीं छोड़ रहे। कल शाम को जब अंधेरा हुआ, आर्मी चाहती कि रात को ही इसको इनकाउंटर को एंड कर दिया जाए, मगर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इनकाउंटर को चलाना काफी सारी मुश्किलों का सामना था आर्मी को, मगर फिर भी उन्होंने रात भर इसको गार्डन में ही रखा, रात भर गोलियों का तबादला होता रहा, सुबह सूरज की किरणें पड़ने के बाद 7:30 के करीब वहां पे गोलियों की आवाज थम गई, उसके बाद कोई भी फायर नहीं हुआ। अभी तक जो भी मकान थे जिसमें जिन मकानों में मिलिटेंटों ने अपना ठिकाना बनाया था उनको जमीन बोस कर दिया गया है, अभी कुछ मकानों में आग भी लगी हुई है, वो भी आपको अपने विजुअल्स में दिखाया, मगर अभी भी आर्मी पूरी तरह से डटी हुई है, मजीद फौज भी बुलाई गई है, जो मॉडर्न हथियार है उनसे भी यहाँ पे जांच की जा रही है और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कल शाम को भी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद जब अंधेरा हुआ तो उसके बाद आर्मी को काफी सारी दिक्कतों का सामना है। जो यहाँ ये इलाका है, ये रिहायशी इलाका है, बागात है, पेड़ पौधे, मिलिटेंट चाहते हैं कि वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाए, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली, रात भर वो गोलियों का तबादला होता रहा मगर उनको भागने का कोई भी मौका फराहम नहीं हुआ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल 3 मिलिटेंट्स मारे गए हैं और बताया जा रहा है बॉडी भी रिकवर हुई है, कुछ तस्वीरें सामने आ रही है वो जब करती है। दोनों यहाँ तक हीट आ रही है।